है और बहुत सारे भूत भी है मेरे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है इवनिंग का टाइम हो रहा है और इधर देखिए ढेर सारे जो है कपड़े मैंने सूखने के लिए डाले हैं और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे धूप सेक लेती हूँ और उसके बाद ना मैं चलूंगी जंगल में। तो मैं आप सबको आज जंगल की सैर कराऊंगी, तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो जंगल में क्यों जाएंगे ये भी एक बात है। तो जंगल में जाएंगे बेर तोड़ने, बेर के बारे में सबको पता होता है और गांव में तो ये बहुत ज्यादा होता है, तो बस बेर खाने के लिए जाएंगे जो कि बहुत दिनों से ही सोच रहे थे, तो सोचा चलो चलते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं चलती हूँ तो साथ में मैं आप सबको भी लेते हुए चलूं। तो बने रहिएगा वीडियो पे कंटिन्यू, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को मैं मेरे घर के जो पास में जो जंगल है ना वो दिखाऊंगी और बहुत घना जंगल है सच में। तो बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ जंगल में और मेरे साथ काफी सारे बच्चे भी जा रहे हैं और इधर बंद कर दबा ना क्रिकेट। तो ठंड बहुत है इसलिए मैं चादर ओढ़ ली हूँ। तो अभी बने रहिए आप लोग वीडियो पे, आगे आप लोगों को सारा कुछ देखने को मिलेगा। और जंगल जा रही हूँ तो बहुत हंसी आ रही है क्योंकि मतलब बेर खाने के लिए साल भर के बाद जा रही हूँ। अगला साल को गई थी मैं, लेकिन फिर पूरे एक साल के बाद जा रही हूँ, तो थोड़ा सा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं जानती हूँ, वो तो जा कर के ही पता चलेगा कि मिलेगा कि नहीं। और देखिए बहुत सारे बच्चे जो है जा रहे हैं मेरे साथ और मेरा बाबू भी जा रहा है ना। देखिए सबसे लास्ट में मेरा बाबू है, एकदम पीछे पीछे जा रहा है। और ना बहुत और भी बहुत सारे बच्चे जाना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ ना कि वो लोग अभी ट्यूशन कर रहे हैं तो इस वजह से मैं रुकी नहीं, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर रुकूंगी ना तो फिर आते आते शाम हो जाएगी और जल्दी भी आना है, नहीं तो ठंडा बहुत ज्यादा लगेगा। और छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी जाना है और जल्दी आना है इस वजह से। और रास्ता देखिए कैसा है, ऐसा किसी का रास्ता रहता है क्या? हमारे यहाँ का इस तरीके का रोड है, देखिए इसी रोड से हम लोग जाते हैं रोज। और बरसात के दिनों में ना आप लोगों ने देखा ही है कि ये रास्ता कैसा हो जाता है, क्योंकि मैंने ना बरसात के टाइम भी एक बार इस रास्ते पे वीडियो शूट किया था, तो मैंने उस टाइम भी दिखाया था कि कैसा हो गया है। और काफी बुरा हाल है हमारे यहाँ ये रास्ता का। और ये ना मतलब कि गाड़ी चलने वाला नहीं है, सिर्फ हम लोग मनुष्य चलने के लिए है और गाय बैल इन सब के लिए, तो इस वजह से इधर कोई रोड उड नहीं बनता है। ये जोड़िया की तरफ ये रास्ता जाता है और आगे आप लोगों को जोड़िया भी दिखाऊंगी। और कहाँ पे हम लोग कपड़ा धोते हैं नहाते हैं वो सारा कुछ दिखाऊंगी। और बच्चे जो है आगे आगे जा रहे हैं और मैं उन लोगों के पीछे पीछे हूँ। तो गाइस देखिए मैंने क्या लिया है, प्लास्टिक और इसमें है नमक, क्योंकि बेर के साथ खाएंगे नमक और अगर बेर नहीं मिला तो पता नहीं क्या खाएंगे, नमक खा करके घर वापस आ जाएंगे। फिर देखते हैं। अरे और ये देखिए गाइस, ये वाला जगह आप लोग बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे, क्योंकि यहीं पर बैठ के मैं वीडियो है अपलोड करने के लिए आती थी और अभी नहीं आती हूँ क्योंकि मैंने अभी जो है अपना सिम चेंज कर लिया है, तो अभी नहीं आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोबर से ये हमारे यहाँ गोइंठा कहा जाता है, पर इसको हर जगह पर अलग अलग नाम से बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। और
मतलब इस तरह पत्थर में बनाने से ना काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए ये ना सब लोग पत्थर पर ही बनाते हैं जोड़िया के। और हमारे यहाँ जोड़िया पर काफी सारा काम होता है, मतलब कि ये इसको ना दूसरा भाषा में कंडे ना क्या कहते हैं मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, तो ये सब बनाया जाता है। फिर जोड़िया में कपड़े धोना, नहाना और इधर जंगल से लकड़ी ले जाना, काफी सारा काम। और देखिए अभी तो मैं एक तरफ जा रही हूँ, लेकिन मेरे घर के चारों ओर सिर्फ जंगल ही जंगल है, और कभी मौका मिला तो जरूर दिखाऊंगी। और बच्चे बहुत ज्यादा शोर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम लोग कपड़ा धोते हैं और नहाते भी हैं, और ये पानी बहुत ठंडा है, तभी हाथ पैर धो के ही जा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं देखिए पानी में, और यहाँ पे हम लोग कपड़े धोने के लिए रोज ही आते हैं, और यहाँ पे कपड़े भी धोते हैं और नहाते भी हैं। पूरे गांव के लोग यहाँ कपड़े धोते हैं और सब लोग नहाते भी हैं। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हम लोग जोड़िया में कपड़े धोने के लिए जाते हैं, तो यही वो जगह है। यहाँ पर बहुत सारी पानी अभी थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि जोड़िया है तो ये मतलब चल के निकल जाता है, इसलिए तो अभी बस चल रहे हैं। तो जोड़िया एक जोड़िया पार हो चुके हैं, अभी एक और जोड़िया मिलेगा तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और वो वाला जोड़िया मैंने कभी नहीं दिखाया है आप लोगों को वीडियो में, तो आज वो भी देखने को मिल जाएगा। और देखिए उधर सब तरफ सिर्फ पेड़ पौधे बस यही सब है और कुछ भी नहीं है। ये वाला जो पौधा है ना, ये वाला जब हम लोग लकड़ी लेने के लिए आते हैं ना, तो इसको ये लंबा लंबा सब है ना उसको तोड़ करके लकड़ी का जो इकट्ठा ढेरी बनाते हैं उसको बांधते हैं और फिर घर लेके जाते हैं, तो वो भी वीडियो में आप लोगों को कभी एक बार जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी वही दिन आ रहा है जब रोज ही लकड़ी लेने आएंगे, तो जब आएंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। बान नारे कहा जास जोलिया जोलिया जास। यहाँ पर देखिए ये वाला एक और जोड़िया है जो कि काफी बड़ा है, वहां पे एक पुल बना हुआ है, उस पुल से होकर के हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो इधर एक पुल है दूसरे साइड भी एक पुल है। तो ये देखिए ये पूरा जोड़िया कुछ इस तरीके से है, और इस वाले जोड़िया में ना बहुत ज्यादा पानी अभी भी है, और पानी के ऊपर इतने सारे पत्ते हो गए हैं ना कि पता ही नहीं चलता है कि मतलब इसके अंदर पानी है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है, पूरा एकदम ढक गया है। उधर देखिए पूरा दिख रहा है एकदम दूर से, उधर से ज्यादा तो इधर दिखता है, क्योंकि पुल का देखिए आधा एकदम पानी से ढका हुआ है, पुल का जो खंभा है ना वो खंभा सब। तभी हम लोग जो है देखिए एकदम जंगल में पहुंच चुके हैं, और बहुत ही ज्यादा घना जंगल है, और इसका अभी टाइम आ चुका है, अभी देखते हैं किधर मिलेगा बेर का पेड़, तो उसी को खोजते हुए जाएंगे। और देख सकते हैं पूरा जंगल है इधर, जितना दूर दूर तक मतलब आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ पेड़ पौधे यही सब है, और ना
सांप बिच्छू भी है, ये नहीं है कि खाली पेड़ पौधा है, और बहुत सारे भूत भी है। मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे भूत है, पर देखते हैं आज एक दो मिल जाता है तो दोस्ती कर लेंगे। गड्ढा जैसा बनाया गया है और वहाँ पे ना सीढ़ी सीढ़ी जैसा बनाया हुआ है, शायद यहाँ पे कुछ करने का विचार है, लेकिन क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन देखिए काफी ज्यादा सफाई की है, तो चलिए अभी और भी, तो चलिए अभी जंगल के अंदर चलते हैं और भी बहुत सारे ऐसे कुछ देखने को मिल जाए शायद, क्योंकि मैं भी इस जंगल में आई नहीं हूँ, पहली बार जा रही हूँ जंगल के अंदर। सो गाइस, मैं अभी देखिए जंगल के अंदर आ चुकी हूँ और ये देखिए हर तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है और बीच में हम लोग हैं। बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि अकेले यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते, सारे बच्चे चले गए हैं तो मुझे डर लगने लगा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ। और बच्चे शायद पहले भी आए हैं, मतलब बच्चे नहीं आए हैं, इनमें से एक दो लड़कियां आई हुई है, लेकिन इस जंगल के अंदर मैं कभी नहीं आई हूँ। ऐसे जगह पर तो डर तो लगता ही है सच में, देखिए कितना भयानक जंगल है। बहुत डर लग रहा है सच में, और मैं इसका क्या करूं बताइए, मुझे अभी तक कोई बेर का पेड़ मिला नहीं है, सिर्फ जंगल मिला है जंगल। अभी जंगल में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इसी को चाट के घर जाएंगे, क्योंकि आए हैं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, है ना। और इधर जो है एक छोटा सा बेर का पौधा है, लेकिन इसमें कोई फल नहीं है। और उस जंगल को पार करके यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सुंदर सी जगह मिली है, जहाँ पे हम लोग आकर पहुंच गए हैं। और पता नहीं इस जगह को किसने इतना साफ किया है और क्यों किया है कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये जगह जो है बहुत ज्यादा सुंदर है। मन हो रहा है कि इधर ही एक दिन पिकनिक के लिए आ जाएं, लेकिन क्या करें, इस साल हमारे यहाँ पिकनिक नहीं होगी। और अरे तो देखिए यहाँ पे एक बेर मिला है, मुझे नहीं मिला, इन लोगों को मिला था, लेकिन मैं उन लोगों के पास एक ले ली हूँ, खा के देखती हूँ कैसा लगा है, मतलब कैसा बना है। है तो टेस्टी, लेकिन एक ही मिला, मतलब उसको भी तीन चार ही मिला था, तो एगो दी, तो एगो में क्या होगा, चलिए देखते हैं दूसरे तरफ अगर मिलता है तो। और देखिए उसको बेर तोड़ने के लिए कहाँ पे निकल गई है, अंजलि कोई पावे की करास, चलो ए उधर मत जाओ, सीधा सीधा चलो। देखिए ये लोग ऐसे घूम रही है जैसे कि कहीं घूमने गई है, बाहर तरफ जाता है ना कुछ देखने के लिए, पार्क में या फिर और भी कोई उस तरह का ये जगह है,
यहाँ पे मजा तो आ रहा है, लेकिन अगर थोड़े से और भी ज्यादा लोग आते ना तो थोड़ा और ही मतलब और ज्यादा मजा आता। देखिए, अरे 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 अरे, देखिए ये फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल उस तरह का जंगल है यहाँ पे। इस तरह का जंगल सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलता है ना, बहुत जगह पर होता भी है, हमारे यहाँ तो है इसीलिए। बेर लेने के चक्कर में कांटा घुस गया। अभी नहीं निकालूंगी ना तो बाद में बहुत ज्यादा पेन होगा। निकल गया। तो हम लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं, लेकिन बेर का पौधा मिला नहीं। एक दो मिला तो उससे जो भी मिला तोड़ लिए। देखिए थोड़ा सा मिला है, तभी सीधा अब निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि शाम होने वाली है, ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है जंगल में, इसलिए चलते हैं। ये बेर की बीज है, बीज जो कि मैं मुंह में रखी हूँ और बच्चा पार्टी पीछे पीछे है। तभी निकलेंगे घर की ओर, जंगल बहुत घूम लिए हैं और बहुत ज्यादा जंगल की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि खाली भाई छोटा छोटा बच्चा है, इतना बच्चा के साथ मैं अकेले रिक्स नहीं ले सकती। अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो फिर लेने का देने में पड़ जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि अभी जो है वापस सीधा घर को चलते हैं। तो चलिए अभी। हाँ आ, हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये हमारे घर के पास का ये जंगल आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि दूसरे साइड का जंगल भी अगर आप लोग देखना चाहो तो वो भी मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कभी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों लाइक कर दे, फटाफट से बोल दो वीडियो को लाइक करने के लिए। लाइक कर दीजिए, बाबू बोल रहा है लाइक कर दीजिए, तो वो लोग तो नहीं बोल रही है।
तो आप ही लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो पर, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे पास है ये, तो मैं टाटा बाय बाय अच्छे से नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए ऐसे ही कर रही हूँ। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो पे। और मैं पहले ही टाटा बाय बाय बोल चुकी हूँ, वापस से टाटा बाय बाय बोल रही हूँ।